हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पब्लिक किचन। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सब सेहतमंद और खुशहाल होंगे। आज मैं आपके साथ अष्टमी और नवमी में जो चने और हलवे का प्रसाद बनाया जाता है उसकी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो इसके बनाने के लिए मैंने ये 2 कटोरी काले चने लिए हैं। पहले चने को धो लें, उसके बाद भिगोएं, और इनको मैंने रात को भिगो दिया था। ये भिगो के इतने फूल गए हैं। अब हम एक कुकर लेंगे, उसके अंदर ये सारे चने डाल देंगे। तो अब मैंने वो पानी भी इसी में डाल दिया चने का, और थोड़ा सा पानी और डाला है। 1 इंच पानी ऊपर होना चाहिए अंदाजे से, आप देख लें। और 1 चम्मच नमक, नमक डाल के इसको हम 20 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। पहले हाई फ्लेम पे, 1 विसल के बाद हम इसको मीडियम पे कर देंगे। और ये देखिए, 20 मिनट के बाद मैंने इसकी स्टीम जब निकल गई तब खोल के देखा है, तो चने हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं। और चना को हम एक साइड पे रख देंगे, इसके तड़के की तैयारी करेंगे। इसके लिए मैंने एक बाउल लिया है, उसके अंदर मैंने 4 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है, 2 चम्मच देगी मिर्च, ये इतनी कड़वी नहीं होती पर कलर अच्छा आ जाता है इससे, 1/2 चम्मच काली मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी, हींग 1/4 चम्मच, भुना हुआ जीरा 1/2 चम्मच। अब हम इसके अंदर पानी डाल के इसकी हम एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। बस इस तरह की हमें पेस्ट चाहिए। इससे क्या होगा, हमारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। अब इसके अंदर डालने के लिए मैंने ये 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, 2-3 हरी मिर्चें ली हैं, थोड़ा सा हरा धनिया, और ये 2 टमाटर की प्यूरी बना ली है। एक कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर तेल डाल देंगे 1 कड़छी भर के, थोड़ा सा तेल इसमें ज़्यादा डलता है। उसके अंदर 1 चम्मच जीरा, जीरे को भून लेंगे, अच्छी तरह फ्राई कर लें। अब हम इसके अंदर अदरक और हरी मिर्चें डाल देंगे और उसको भी थोड़ा फ्राई कर लेंगे, कुछ 30 सेकेंड बस। अब हम इसके अंदर जो हमने मसाला घोल के रखा था, सारा पेस्ट बनाई थी, वो डाल देंगे इसमें। अच्छी तरह से ये मसाला मिक्स हो जाता है इससे घोल बनाने से। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर छोड़ा है इसने। आपने कभी भंडारे वगैरह पे जो चने बनाए जाते हैं या हलवाई जो बनाते हैं, वो इसी तरह से बनाते हैं। अब मैं इसके अंदर 2 टमाटर की प्यूरी डाल के इसको भी अच्छी तरह भून लूँगी, जब तक ये घी ना छोड़ दे या तेल जो डाला है हमने, तेल ना छोड़ दे। अच्छी तरह पका लेंगे इसको। हल्का सा मैंने उसी में मिक्सर ग्राइंडर में पानी डाल के थोड़ा सा डाल दिया, ताकि मसाले में अच्छी तरह से हमारे टमाटर भी पक जाए। ये देखिए ऊपर तेल छोड़ना शुरू हो गया। अब मैं 1/2 चम्मच इसमें नमक, मुझे चने में नमक कम लग रहा था, मैंने इसमें 1/2 चम्मच नमक और डाला है। नमक, मिर्च, मसाले, हर चीज़ आप अपने स्वाद के अनुसार कम बढ़ती कर सकते हैं। जैसे आप तीखा मसाला खाते हैं, तो आप तीखा इसके अंदर और मसाले भी डाल सकते। अब हमने इसको ढक के 2 मिनट के लिए पकाना है मसाले को। 2-3 मिनट हो गए हैं। अब देखिए तेल अच्छी तरह से ऊपर आ गया है और मसाला हमारा भुन चुका है। अब हम इसके अंदर जो बॉयल चने थे वो सारे डाल देंगे, और थोड़ा सा हम पानी भी डाल देंगे जो चने बॉयल करने के लिए हमने रखे थे जिसमें, वो थोड़ा सा पानी डाल देंगे, ताकि उस पानी के अंदर जब चने पकेंगे तब उसका स्वाद भी अच्छा आएगा। अब हम इसको 10-15 मिनट के लिए पानी थोड़ा डाल दें, और 15 मिनट के लिए इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह पकाएं, ताकि ये मसाले अच्छी तरह से चने के साथ मिक्स हो जाए। अब ये देखिए थोड़ा सा मैंने पानी इसमें और डाल दिया है, ताकि चने और अच्छी तरह पक जाएं। और 1 चम्मच मैंने अमचूर पाउडर डाल दिया। अगर अनारदाना है तो अनारदाना भी पीसा हुआ डाल सकते हैं। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए इसका पानी सूख गया है और चने हमारे काफ़ी हद तक बन चुके हैं। अब हम इसमें थोड़ा हरा धनिया डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये चने हमारे बन गए हैं। अब हम इसको एक साइड पे रख देंगे, तब तक हम हलवे की तैयारी करते हैं। हलवा बनाने के लिए मैंने 1/3 कप घी, 1/3 कप सूजी और 1/3 कप भी चीनी ली है। तीनों चीज़ें बराबर ही लेते हैं। तो मेरा पैन गर्म हो गया है, इसमें घी भी गर्म हो गया। अब हम इसमें सूजी डाल देंगे और सूजी को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। फ्लेम आप मीडियम ही रखें और इसको हिलाते रहें, ताकि सारी साइड से सूजी एक जैसी फ्राई हो। देखिए कलर कितना अच्छा इसका चेंज हो गया है, हल्का पिंक कलर आ गया है। अब थोड़ा सा और इसको डार्क कर लेते हैं बस। अब सूजी हमारी भुन चुकी है, उसके अंदर मैंने थोड़े से नारियल बारीक काट लिया है, और थोड़ी सी मैंने 1 टेबल स्पून के करीब किशमिश ली है।
वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। अब मैंने इसके अंदर पौना कप पानी डाला है, अभी मैंने आधा कप डाला है, आधा बाद में डालेंगे, और चीनी डाल देंगे। चीनी डाल के इसको मिक्स कर लेंगे, थोड़ा पानी और डाल देंगे और सिम सेक पे इसको पकने देंगे। सिम सेक पे आप पकाएंगे तो सूजी अच्छी तरह से फूलेगी और हलवा जो है अच्छा बनेगा। बस ये देखिए, पानी सूखने तक हम इसको हिलाते रहेंगे, बिल्कुल दानेदार बहुत ही बढ़िया हलवा बनके तैयार हुआ है। देखिए अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे, गरम गरम सर्व करेंगे। आप साथ में पूड़ी बनाएं, चाहे इसी तरह से चने और हलवा बनाएं। नवरात्रि पे, अष्टमी पे माता रानी को भोग लगाएं। हैप्पी नवरात्रि। अब ये देखिए गरम गरम चने हमारे कितने बढ़िया चने बने हैं। थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा हम अदरक के बारीक बारीक टुकड़े पीसेस काट के इसके ऊपर लगा देंगे और एक हरी मिर्च। बस ये देखिए, ये हमारे हलवा और चने बनके तैयार हो गए हैं। आप अष्टमी नवरात्रि पे बनाएं और माता रानी को भोग लगाएं। हैप्पी नवरात्रे। अगर आपको मेरी ये चने की और हलवा की रेसिपी अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट रेसिपी में फिर मिलते हैं।